22 साल की उम्र के प्रैगनेंट हो गई सी कुड़ी, ब्याह होया सी उसका, 3 महीने की प्रैगनेंट सी, पर सौरा परिवार इन्ना ज़्यादा खराब जिन्हां दे वल्लों तंग किया गया उस बेचारी कुड़ी नू, ते ओ कुड़ी दी अज लाश उसके घर दे विचों मिली है। तो मापियां का इल्जाम है कि सौरे परिवार ने ही मारी उन्हां दी धी। तो लुधियाणा तो यह मामला सामने आ रहा है जिथे एक व्यौता नव व्यौता जिसका कुछ महीने पहले ही ब्याह होया सी, ते ओ 3 महीने की प्रैगनेंट सी। तुहानू दस दईए कि उसका सौरा परिवार है जिहड़ा वो दाज दहेज मंगता सी, कुड़ी दे मापिया ने पूरा जोर ला के अपना विआह विआह करवाया, सोना चांदी भी दिता पर अपनी हैसियत के मुताबिक। पर लालची सौरा परिवार वध पालदा सी, इन्हां दा कहना सी कि तू अपनी विआह दे विच पतली सोने की चेन लैके आई है, असी तो मोटी भालदे सी। तां उही ताने मिणियां दा दौर चलदा सी, रोज़ाना कदे लड़के 22 साल की अनुश्रिया घरे आ जाती सी, पर हुण उसकी मौत हो गई है ते परिवार जिहड़ा सौरा परिवार है उसना ते कतल दे इल्जाम लग रहे ने। आओ पिता दा की कहना है जानदे। मेरा लड़की को यहाँ पे शादी हुआ था लुधियाना पे, इन्होंने मार दिया। किस जगह पे? साजिदी भगत सिंह कॉलोनी पे, लाइन नंबर 2 पे। अच्छा, कितने टाइम पहले शादी हुआ था? हो गया 2 साल 7 महीना हो गया शादी हुआ था। बेटी का नाम क्या? अनुसया बेहरा। अनुसया बेहरा जी, तो क्या कहते हैं, क्या कारण है? ये दहेज के लिए परेशान, जब से शादी हुआ इन्होंने दहेज के लिए परेशान करते थे। दहेज ये कभी ये मांगो, जितना इनका डिमांड था सारा मैंने दे चुका था। किन हालात में मिली बॉडी हमको? वहाँ पे हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ बड़ी। हम जब आए वहाँ पे ना इनका घर वाला ना कोई, वहाँ कोई नहीं मिले। फिर हम ढूंढते वहाँ पहुँचे कि इसको पूछो, जब पूछताछ किए नाम बताया कि हाँ बड़ी वहाँ पे पड़ा हुआ है आपका, फिर हमको मिलने नहीं दिए। बोर्ड फिर इन्होंने बोर्ड है फंदा लगाया था, क्यों मेरा लड़की ऐसा कमज़ोर दिल का नहीं है, वो फंदा नहीं लगा सकता। ये दोनों भाई और इसका माँ मिल के मेरा लड़की को हो सकता है इन्होंने मार दिया हो, मार की फांसी ऐसे लटका दिया होगा। आप जम्मू के रहने वाले? जी नहीं, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, ऐसे जम्मू में मेरा बेस है। हस्बैंड का क्या नाम है? हस्बैंड है प्रदीप साहू। वो क्या काम करते हैं? वो एक नौकरी कर रहा है, पता है बोर्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस तरह की डिमांड करते थे ये? सर अजीब किस्म का डिमांड था इसका, कभी शादी ले कि तेरा पापा ये नहीं दिया, चैन इतना मोटा नहीं दिया, चैन पतला दिया, और ये तू जा रहा है तेरा पापा से ये लेके आना। इसका सास कभी बोला था तेरा घर पे तू जा रहा है, तेरा पापा का घर पे ये सामान क्यों नहीं लेके आता, खाली हाथ क्यों आता, कभी ये लेके आओ कभी वो लेके आओ। इसका डिमांड हर दिन ही कुछ ना कुछ डिमांड बढ़ता जाता था। अब प्रशासन से क्या मांग रहे? बस इतना मैं आपका हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, ये बंदे को ऐसा दुनिया में, ये जो बंदा एक दहेज के लिए एक लड़की को, जो इसका अपना बीबी को और इसका माँ इसका सास को मार दे, ये हमारा ये दुनिया में रहने का लायक नहीं है। और 3 इसका मेरा लड़की का 3 महीना का बच्चे भी था इसका पेट में। अच्छा, अभी? जी अभी 3 महीने का बच्चा अभी था, अभी जो डेथ हुआ वो 3 महीने का बच्चा था पेट में। और इससे पहले भी इन्होंने जान पूछ के वॉच करा दिए, जब पेट में 2 महीने का बच्चा था इन्होंने दवाई दे के मार दिए थे। वैसे कर दे दी। जी वैसे आपके कितने बच्चे हैं बेटी के? मेरा 4 बच्चे हैं वहाँ पर। जी बेटी सबसे बड़ी है छोटी है? जी बेटी सब, लड़का सबसे बड़ा है, लड़का से नीचे मेरा बेटी है। मैनू ये बारे कुछ नहीं पता जी, तफ्तीश जारी है, SI साहब घुमारे दे आई उन्हें, तुम उन्होंने मैं पोस्टमार्टम कराया जी, मैं तो सारे कागज पत्र भरिया, उन्होंने सारा कुछ करना जो करना है।